तो हेलो भाई, मैं हूँ अंकित धाकड़। जैसे मैंने अभी अपना सेटअप बनाया है, कैसा क्या बनाया मुझे भी नहीं पता। अभी मैं इसका एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बस इसका एक्सपीरियंस करने कि इसमें प्रॉपर वाइड एंगल आता है या नहीं आता है। इसमें मैं नीचे देख रहा हूँ तो सिर्फ नीचे का दिख रहा है, ऊपर देखूँगा तो सिर्फ ऊपर का दिखेगा। तो इसमें कैसे क्या होता है वो देख के मैं आपको बताता हूँ। तो ये रही अपनी गाड़ी, यहाँ पर पड़ी है, तो अभी चलते हैं। इसमें कैसा क्या है, इसका वाइड एंगल वगैरह मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा तक क्लियर नज़र आने वाला है, क्योंकि आई थिंक सो इसमें वाइड एंगल नहीं है। तो इसमें जिस बात का डर था आखिर में वही हो रहा है कि इसमें वाइड एंगल नहीं है, तो मेरी चीज़ें बहुत सारी मिस हो जाएगी, इसलिए बाइक को पार्किंग से निकालना पड़ेगा। मैं बता रहा था भाई, क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि अगर रोड दिखाओ तो डैशबोर्ड नहीं दिखता, डैशबोर्ड दिखाओ तो रोड नहीं दिखता। मेरे को लग रहा है वो तो वाइड एंगल में कट कर रहे हैं। तो भाई देखो, चीज़ तो बढ़िया है एकदम, इसमें कोई इश्यू मेरे को लग नहीं रहा है। पर इसमें एक ही दिक्कत मेरे को जो पर्सनली फेस हो रही है वो है कि मेरे मोबाइल में वाइड एंगल नहीं है। बस अगर मेरे मोबाइल में वाइड एंगल होता तो ये मशीन और मैं दोनों एक हो जाता, लेकिन अब वाइड एंगल का इशू मेन यहाँ पे मेजर क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक वाइड एंगल की नीड मेरे को यहाँ पे, मतलब मेन वाइड एंगल की नीड यहाँ पे फेस हो रही है, वरना कुछ इशू तो इसमें मेरे को दिख नहीं रहा। जैसे वहाँ पे भी वो क्रिकेट खेलते तो इसमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें वाइड एंगल नहीं है ना, मेन इशू वहीं क्रिएट होता है। बस अगर इसमें एक वाइड एंगल और होता ना तो चार चांद लग जाते हैं। अभी जैसे इसमें यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे चला नहीं पा रहा हूँ ढंग से, और गिरने विरने का तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है इसमें मेजर कि गिर विर भी जाएगा मोबाइल। ये मेरा रिव्यू बिल्कुल एकदम ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें गिरने जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि गिर भी जाएगा यहाँ से। गिरने का मतलब कुछ इतना लॉजिक मेरे को लग नहीं रहा है कि गिरेगा या वगैरह का कुछ।